नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। बांग्लादेश के हिंदू पुजारी और इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी को लेकर भारत बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। सोमवार को चिन्मय दास को देशद्रोह के आरोप में ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया है। भारत ने भी दास की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई थी और बांग्लादेश से मांग की थी कि हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भारत की इस प्रतिक्रिया पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई थी। वहीं अब बांग्लादेश में हिंदू फोबिया के कारण इस्कॉन जैसी समस्याओं और उससे जुड़े लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, उनका दमन हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि दुनिया भर के कृष्ण भक्तों के लिए ये अपमान जैसी बात है, बहुत खतरनाक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, यानी जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था और बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी भूख से मर रही थी, गरीबी से त्रस्त थी, तब इसी इस्कॉन ने बांग्लादेश के करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। उस समय इस्कॉन की अपील पर अगस्त 1971 में मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर और जॉर्ज हैरिसन ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्कोर गार्डन में एक कॉन्सर्ट किया था। इस कॉन्सर्ट से उन्होंने इस्कॉन के साथ मिलकर आज के हिसाब से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा जुटाया था, जिससे बांग्लादेश के लोगों को भुखमरी से बचाया गया। लेकिन आज उसी बांग्लादेश की सरकार ने यह कहा कि इस्कॉन एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है और हम इस पर बैन लगाना चाहते हैं। वही इस्कॉन से नफरत के पीछे जिनमें कृष्णदास एक बहुत बड़ा कारण है, जो मोहम्मद यूनुस पर 8 मांगों को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे। ये मांगे थी, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को रोका जाए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक नया कानून बने, पीड़ित हिंदुओं को सरकार से न्याय और मुआवजा मिले, सरकार में अल्पसंख्यकों का एक अलग मंत्रालय बने। बता दें कि सारे कानून और मंत्रालय का अधिकार भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को वर्षों से मिल रहा है। हमारे देश में अगर आप देखें तो ये सारी मांगे हमारे देश में पहले से पूरी हो चुकी है। हमारे देश में तो इस पर अमल भी हो रहा है। अल्पसंख्यकों का एक अलग मंत्रालय है। अल्पसंख्यक हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई सरकार हिम्मत नहीं कर सकती अल्पसंख्यकों को हाथ लगाने की। हमारे देश में अदालतें हैं जो अल्पसंख्यकों का बचाव करती हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें सुरक्षा देती हैं। लेकिन बांग्लादेश में अगर आप सोचिए इन मांगों में क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं ने जब ये मांग की तो वहां पर उनका दमन शुरू हो गया और अब ये दमन और भी ज्यादा आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। बांग्लादेश में एक जमाने में 22% हिंदू थे, जो आज घटकर सिर्फ 7.5% रह गए हैं। और अगर यही हालात रहे तो बांग्लादेश में शायद 7.5% हिंदू भी नहीं बचेंगे। लेकिन सोचिए तो कितनी बड़ी बात है। दुनिया भर के मानव अधिकारों के संगठन, दुनिया भर की प्रेस, दुनिया भर के मीडिया, दुनिया भर के देश जो अपने आप को मानव अधिकारों का चैंपियन कहते हैं, जो बात बात पर भारत को चेतावनी देने लगते हैं, हमारे देश में अल्पसंख्यक खतरे में है, वो तमाम देश, वो तमाम संगठन, वो तमाम मीडिया, वो तमाम नोबेल प्राइज जीतने वाले लोग सबके सब हिंदुओं के दमन पर चुप बैठे हुए हैं। किसी ने एक बार भी आवाज तक नहीं उठाई। ये जो चुप्पी है ये बहुत खतरनाक है। अब तो जो कृष्ण भक्तों की संस्था है इस्कॉन, वो भी खतरे में आ गई है बांग्लादेश में। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।